मैं शशांक गुड़िया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चकपात विद्यालय श्री विद्यानगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है आंगल मराठा संघर्ष। आंगल मराठा संघर्ष इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में हमने प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो कि 1775 में अंग्रेजों के मराठों के मध्य लड़ा गया था और सालाबाई की संधि जो कि 1782 में ऊना दरबार अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी, इस सालाबाई संधि के साथ ही यह जो युद्ध है समाप्त हो गया था। तो इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों व मराठों के मध्य संघर्ष फिर से बढ़ गया। सालाबाई की संधि के साथ अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति जो थी काफी डावाडोल हो चुकी थी। कंपनी का जो राजकोष था खाली हो गया था और मार्च 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठों में पुनः पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गए थे। प्रथम आंगल मराठा युद्ध के बाद द्वितीय आंगल मराठा युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 1803 से 6 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। तो मार्च 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठों में पुनः पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गए। इंदौर के महाराजा होलकर व ग्वालियर के महाराजा सिंधिया नाना फडणवीस के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। सिंधिया एवं पेशवा बाजीराव के मध्य एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया। इस मोर्चे को होलकर ने युद्ध में पराजित कर दिया और राव भोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा पद पर घोषित कर दिया। पेशवा बाजीराव बंबई के समीप बेसिन जा पहुंचा। वहां उसने अंग्रेजों से बैसिन की संधि की। अंग्रेज ऐसे अवसर की तलाश में थे। संधि में तय किया गया कि दोनों जो पक्ष हैं संकट में एक दूसरे की सहायता करेंगे। बाजीराव अंग्रेजी सेना का व्यय वहन करेगा। इसके लिए वह 26 लाख रुपए वार्षिक आय के कुछ प्रदेश जो है अंग्रेजों को दे देगा। बैसिन की संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा सम्मान को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। बैसिन की संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा सम्मान को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। पूरी तैयारी होने के पश्चात वेलेंडली ने मराठों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया था। इस युद्ध में सिंधिया एवं भोसले की संयुक्त शक्ति से अंग्रेजों की टक्कर हुई थी। असई अरावा और लासवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध लड़े गए। इन युद्धों में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। अलीगढ़ दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। सिंधिया और भोसले की शक्ति अब नष्ट हो गई थी। इस युद्ध में मराठों को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का जो प्रभाव है उत्तरी भारत और उड़ीसा में फैल गया था। अब है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वितीय आंगल मराठा युद्ध के पश्चात 30 दिसंबर 1803 को 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों में सिंधिया
अर्थात अर्जुन काम की संधि संपन्न हुई। अर्जुन काम की संधि संपन्न हुई। अर्जुन काम की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, भड़ोच, बुंदेलखंड तथा अहमदनगर का जो मुलक है वह अंग्रेजों को सौंप दिया। यह भी तय किया गया कि वह कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखेगा तथा किसी यूरोपीय को अपने राज्य में नहीं रखेगा इस प्रकार द्वितीय मराठा युद्ध के पश्चात 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व सिंधिया के बीच सुरजी अर्थात अर्जुन काम की संधि संपन्न की गई थी। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, भड़ोच, बुंदेलखंड तथा अहमदनगर का दौरा अंग्रेजों को सौंप दिया। यह भी तय किया गया कि वह कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखेगा तथा किसी यूरोपीय को अपने राज्य में नहीं रखेगा। फिर है देव वाम की संधि जो कि 7 दिसंबर 1803 को संपन्न की गई। देव वाम की संधि जो कि 7 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों में भोसले के मध्य संपन्न हुई। अंग्रेजों में भोसले के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि में भोसले ने वेलेंटली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। केवल राज्य में कंपनी की सेना रखना स्वीकार नहीं किया। इस संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे वह भी अंग्रेजों को दे दिए गए। 7 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व भोसले के मध्य देवनाम की संधि संपन्न हुई थी। इस संधि में भोसले ने वेलेंटली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल राज्य में कंपनी की सेना रखना स्वीकार नहीं किया। इस संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे वह अब अंग्रेजों को दे दिए गए। आइए अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम चरण, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। अब तृतीय चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वेलेंटली ने मराठा संघ की तीन प्रमुख शक्तियों पेशवा, सिंधिया एवं भोसले को पराजित कर नतमस्तक कर दिया। अब केवल होलकर ही शेष शक्ति बची थी जिस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने 1804 में होलकर के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। होलकर ने कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण कर पराजित कर दिया। अतः वेलेंटली ने कर्नल मोन्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। होलकर ने कोटा के निकट
होल्कर ने भरतपुर पर आक्रमण कर वहां के शासक से संधि की। होल्कर ने दिल्ली विजित करने का असफल प्रयास भी किया। दिल्ली पर होल्कर का दबाव कम करने के लिए अंग्रेजों ने होल्कर की राजधानी इंदौर पर आक्रमण कर दिया। ज्ञात होने पर होल्कर इंदौर की ओर चला गया और मार्ग में डीग नामक स्थान पर अंग्रेजों व होल्कर की सेनाओं के मध्य घोर संग्राम हुआ, किंतु निर्णय कुछ भी नहीं निकला। इस युद्ध में होल्कर को काफी क्षति हुई। इसके बाद होल्कर जो है फर्रुखाबाद में परास्त हुआ और इसके पश्चात वह पंजाब भाग गया। अथक प्रयास के बाद वेलेंटली होल्कर पर पूर्ण रूप से विजय न पा सका। वेलेंटली की कटु आलोचना हुई। शीघ्र ही अपने पद से त्याग पत्र देकर वेलेंटली जो है वापस इंग्लैंड चला जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं मराठा युद्ध के पश्चात चतुर्थ अंकल मराठा युद्ध। जब लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तब उसने यह समझ लिया कि निर्हस्तक्षेप की नीति काम नहीं करेगी, तो उसने मराठों की शक्ति को समाप्त करने का उसने निश्चय कर लिया। उधर मराठे भी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उतावले थे। मराठे पुनः संगठित भी हो रहे थे। पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। जून 1818 में अंग्रेज रेजिमेंट एल फिंडस ने पेशवा को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे बाध्य कर दिया था। और इसके पश्चात इस संधि में शर्तें जो थी कठोर थी। इस संधि में अनेक कठोर शर्तें थी जिनका पालन करना मराठाओं के लिए संभव नहीं था। अतः पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता और प्रभुत्व की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। इस समय मराठा संघ के 5 प्रमुख सदस्य थे। इस समय मराठा संघ के 5 प्रमुख सदस्य थे पेशवा, सिंधिया, भोसले। पेशवा, सिंधिया, पेशवा, सिंधिया, भोसले। इसके अलावा होल्कर और गायकवाड़। होल्कर और गायकवाड़, होल्कर और गायकवाड़ ये 5 प्रमुख सदस्य थे मराठा संघ के। ये 5 प्रमुख सदस्य थे। पेशवा, सिंधिया, भोसले, होल्कर तथा गायकवाड़। ये 5 प्रमुख सदस्य थे। गायकवाड़ को पहले ही अंग्रेजों से जा मिला था, अतः अब अंग्रेजों का प्रमुख लक्ष्य जो था शेष 4 शक्तियों का अंत करना था। चतुर्थ आंगन मराठा युद्ध में मराठे अंग्रेजों के समक्ष पराजित हो गए और मराठा संघ का भी अंत हो जाता है। यद्यपि इस युद्ध के पश्चात मराठा संघ का
पूर्ण रूप से अंत तो नहीं हो पाता, किंतु मराठा राज्य अब नाम मात्र का ही रह गया था। पेशवा, होलकर, सिंधिया एवं भोसले अपना अधिकार राज्य क्षेत्र अब खो बैठे थे और अब भारत में अंग्रेजी शक्ति को चुनौती देने वाली अन्य कोई शक्ति नहीं बची थी। इस प्रकार अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष जो 1775 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1818 ईस्वी तक चतुर्थ आंतर मराठा युद्ध चलता रहा और अंत में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। चूंकि मराठे इस संघर्ष में पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुए, फिर भी अंग्रेजों ने मराठा की शक्ति का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस मराठा आतंक संघर्ष के पश्चात भारत में अंग्रेजी शक्ति को चुनौती देने वाला अन्य कोई नहीं रह गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी पूर्व नीति के चलते मराठों को युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया था। मराठों की कुछ भूलें थी, कुछ कमियां थी, जिसके कारण वह अंग्रेजों के हाथों नतमस्तक हुए थे। अंग्रेजों ने जो कि शक्तिशाली तोपखाने और सैनिक सहायता से आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से और मजबूत गुप्तचर प्रणाली आदि से उन्होंने इस संघर्ष में विजय प्राप्त की थी और मराठों को युद्ध में पराजित कर दिया था। इस प्रकार आंगल मराठा युद्ध आज का टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।